तो एक गुजारिश है, प्लीज आप लोग थोड़ा शांति बना के रखें। तो लीजिए, आप लोगों के बीच प्रस्तुत है नाटक औरत। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। हाय मेरी बच्ची।
ठीक नहीं है ये, तुमने इसको पैदा किया है और तुम ही संभालो। और याद रखना, अगर कुछ गलत हो गया ना तो इसकी कसूरवार भी तुम ही होगी। यह है एक दृश्य जहां बेटियों को घर से निकलने पर, पढ़ने पर, हंसने पर, बोलने पर, यहां तक कि उनके अपने मन के कपड़े पहनने पर भी प्रताड़ित किया जाता है। अरे साथियों, अगर बेटी बाहर निकलेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं, तो वह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैसे बनेगी? आइए चलिए देखते हैं अगला दृश्य। ससुराल जाके तो काम ही तो करना है।
कपड़े छोटे मत पहनो, बाहर मत घूमो, पढ़ाई करके क्या करोगी? जब एक लड़का शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। छोटे कपड़े नहीं, आपकी सोच है, बदलाव की जरूरत है, लेकिन कपड़ों की नहीं, आपकी सोच की। करते हो समानता की बात तो फिर लड़के बाहर मौज और लड़कियां घर में चूल्हा चौका क्यों? कहते हो बेटियां पापा की कड़ी है, तो आज अगर उसे उड़ने नहीं दोगे तो वो कल जाके कल्पना चावला कैसे बनेगी? अगर लड़कियों के हॉस्टल में एंट्री टाइम 8 बजे तक है तो लड़कों का 10 बजे क्यों? शिक्षा का काम का त्याग सिर्फ लड़कियां ही करें क्यों? क्यों? बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है औरत, हर मुल्क की, तहजीब की आधार है औरत। देने तो पड़ेंगे तुम्हें, देख क्यों नहीं देते? वो हक तमाम जिनकी, हकदार है औरत, बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है औरत, हर मुल्क की, तहजीब की आधार है औरत। किसी भी नाटक का एक अहम हिस्सा होता है, तो मैं पात्र परिचय के लिए अनुरी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, निशा म्यूजिक डिपार्टमेंट, कोहनी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, दीक्षिता साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, दीपाका म्यूजिक डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट। मैं अपने म्यूजिशियन को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। पंकज ढोलक पे थे, कीबोर्ड पे गुरप्रीत, म्यूजिक डिपार्टमेंट के और फैमिली पर सपोर्ट कर रहे थे केशव। थैंक यू सो मच। और ये जो पूरा नाटक है जिसने डायरेक्शन किया है, डिजाइन किया है, हमारे प्यारे भैया MD ब्राजी।